सबसे बड़े तो लक्ष्मी घर पे आई है मेरे, बेटी मतलब हर बाप की चाहत बेटी होती है। सबसे बड़ी बात है कि बेटे एक टाइम पे बाप को ठुकरा सकते हैं पर बेटी कभी नहीं ठुकराएगी भाई, नाज होना चाहिए अब हर इंसान को अपनी बेटियों पे। तो मैं बड़ा छाती बड़ी चौड़ी और मैं अपनी नन्ही सी परी को अभी बस हॉस्पिटल से घर लेकर आया, शायद इतना इंसान आज खुश, इतना मैं आज खुश हूँ। बेटी एक लक्ष्मी होती है लेकिन लड़कों से लड़कियाँ कहीं भी कम नहीं है, कहीं भी कम नहीं है, हर जगह पे आप देखोगे आज कंधे से कंधा लड़की मिलाकर चल बुढ़ापे तक बाप के सपोर्ट में आती है। लड़कियाँ शादी के बाद में भी अपने फादर्स को मदर्स को देखती हैं जो सपोर्ट बनती हैं। आज हमें ले लो यार, किसी मुझे ले लो, अपने आप को ले लो, आप लोग कितने माँ बाप के प्रति का आप लोग कर पाते हैं। इतना लाइफ में रुझ गए कि सिर्फ फ़ोन तक रह गए हैं लाइफ, ज़्यादा होता तो पैसे भेज देते हैं हम लोग, यही है ना लाइफ, सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? तो बेटी ऐसे नहीं करती, बेटी नहीं करती। कितना मानते हैं कि बेटी लक्ष्मी होती है, कितना प्रैक्टिकल में जैसे होता है कि बेटी आती है तो बहुत तरक्की होती है, इतना क्या? भाई मेरी बेटियां तो मेरी लक्की था, मैं तरक्की मेरी बेटी प्यार की बात करिए, अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। क्यों जी क्या ड्रीम है उसके बारे में बताएंगे, बेटियों को लेके आगे क्या उनकी फ्यूचर्स? उसके फ्यूचर यार मैंने अपनी बेटी को मतलब मेरे दोस्तों की तरह, आप मेरी बेटी को मुझे पूछोगी आपके डैड है तो बोले नहीं नौकर है, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो मेरी बेटी को पूछोगे ना कि आप कि आपके डैड है कि कौन है, साहब बोले कि मेरा नौकर है। तो मेरी बच्चों को मैंने बहुत फ्रीडम दे रखा, दोस्तों रखा हुआ है, दोस्तों की तरह मेरा मतलब रिश्ता बाप बेटी का नहीं, दोस्त का रिश्ता है, वो रिश्ता रखा अपने साथ बच्चों। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग बच्चे को जिस टाइम प्यार दे रहे थे अंदर, तो उस टाइम आपने कुछ कैद के अंदर माही करके कुछ हम लोगों ने देखा, क्या उसके बारे में कुछ कहने जाएंगे? मेरी फिल्म मारी एक माही, हिंदी फीचर फिल्म मारी माही, तो मेरा सबसे बड़ा ये था कि मेरी बेटी आए, मेरी स्क्रिप्ट पे लक्ष्मी पैर रखे और क्लैप उसके हाथ लगे तो मैं स्टार्ट करूँगा। तो मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहा था, तो आज कुदरती स्क्रिप्ट भी मुझे आज ही मैंने मंगवाई, स्क्रिप्ट मेरी एक सवा महीने कंप्लीट पहले हो गई थी, तो इसको लिखा अमित खान जी ने, इनके 100-200 से ऊपर नावल आए हुए हैं, नावल मतलब बुक की हिस्ट्री में बड़ा नाम है उनका। अच्छा एक होता है कि हमारे समाज में के लड़के के नाम जो है माही लिखा जाता है, रखा जाता है, बोला जाता है, लेकिन आपका एक संदेश है माही के थ्रू से समाज के लिए, तो ऐसा क्या संदेश है माही के थ्रू? आजकल टिपिकल जो पंजाब में मतलब पंजाब क्या कहीं भी लोगों का टिपिकल किस्सा है कि आज पंजाब में हम लोग कहीं भी रिश्ता पंजाब से अब्रॉड से लड़का आया और रिश्ता किया, हम देखते भी नहीं उसको कि ये आया कहाँ से, करता क्या है, अब्रॉड में क्या नहीं, बस बाहर से आया और रिश्ता कर दिया जी। तो मैं कुछ डिफरेंट सा कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ उसके लिए। अम्मी फिल्म की लड़की जो मेन लीड है उसका नाम है माही, इनके यहाँ भी बेटी है, इसके यहाँ भी बेटी है, ये मेरा छोटा भाई है हरियाणा से, इसके यहाँ भी बेटी है। तो आप जिस पांचों में से जिस मर्जी से बेटी के बारे में पूछ ले जी, बात देखी आएगी, चाहे स्टार्ट यहाँ से कर ले, यहाँ से कर ले, यहाँ से। सर हम आपसे पूछेंगे तो हमारे लिए तो एक अच्छी न्यूज मिलेगी, लेकिन हम जनता को एक आपके थ्रू से एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लड़कों को ही क्यों प्यार करें, लड़की को क्यों नहीं? देखो क्या होता है कि देखो हर मैं आज अब मैं आपको अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ जी। मेरे यहाँ बेटी आई, मेरी बेटी आने के बाद मेरे सभी दोस्तों का क्या था कि ओह कोई बात नहीं बेटी आई है यार, टेंशन मत ले भाई, किस बात की टेंशन, पहला वर्ड टेंशन मत लो, किस बात की टेंशन, क्यों टेंशन ली जाए, है कि नहीं? जब उसने लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, इसलिए ना। और बेटी आज की डेट में मुझे लगता है कि लड़कियाँ किसी लड़कों से कम होनी चाहिए, और लड़कियाँ मेरी मतलब आज हर चीज़ में आगे हैं यार, आगे है। हर चीज़ में आगे हैं, चाहे इमोशनल में ले लो, चाहे पढ़ाई में स्टडी में ले लो, चाहे और किसी चीज़ में लो, हर चीज़ में ही आगे हैं। अच्छा बात करें कि आने से पहले आपने बहुत सारी कुछ तैयारियाँ कुछ सोचा होगा, वो क्या होगा मतलब? मैं सुबह से लगा था, 3-4 दिन से शॉपिंग ही चल रही है बस, 3 दिन से मतलब मेरी शॉपिंग चल रही है उसकी, कभी ये कभी वो कभी वो।
मेरे खुद के आस पड़ोस वाले दुखी हो चुके हैं मेरे से, हर दो घंटे में बाजार में होते हैं हम लोगों को। नामकरण के बारे में बताएंगे कुछ, नाम क्या सोचा था अभी इसके एक के बाद मैं गुरुद्वारे जाऊँ, गुरुद्वारे में से पाठ है, पाठ के बाद जो भी बाबा जी की तरफ से अक्षर पहले निकलेगा उस हिसाब से मैं नाम। बात करें कामयाबी किस क्या बनाना चाहते हैं उसको बेटियों को? यह मेरी तरफ से पहला उसको फ्रीडम में पूरा दूंगा, मैं कोई प्रेशर इसलिए करना चाह रहा बच्चों के ऊपर कि वो ऐसा हो कि मुझे इसको पंजाब में जब हिंदुस्तान की लड़ाई किसी चाहे पाकिस्तान से लगे, हमारे तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान से होती है लड़ाई तब भी हुई, या कुछ भी कहीं भी कोई टेररिस्ट का पंगा होता है, चाहे कश्मीर में ले लो चाहे कन्याकुमारी ले लो या कहीं भी ले लो, तो सबसे पहले किसको भेजा जाता है? सरदारी जाते हैं ना, सरदारी जाते हैं, कोई और तो नहीं भाई। तो मैं आप आज दिखा रहे, अगर पूरा पंजाब, मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, हमारे गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल साहब दरबार साहब आप लोग सभी लोग गए होंगे यार, दरबार साहब में आज भी चार दरवाजे उस, वो दरवाजे चार क्यों बना के थे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके हिसाब से चार दरवाजे बना के सबका वेलकम है। वो हमारा दरबार साहब पूरे हिंदुस्तान को एक महीने खाना खिला सकता है, हिंदुस्तान जमीन पे आ जाए तो भी पूरे हिंदुस्तान को एक महीना खाना खिला सकता है दरबार साहब। तो आप किसने अच्छे की बात कर रहे हो भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ जितना पंजाब मैं कहा पूरे हिंदुस्तान को जितना पंजाब धान देता है खाना देता है और किसी स्टेट से दिखा दीजिए आप। आपने अच्छा किया कि आपके माध्यम से जो उन लोगों ने बहुत संघर्ष देखे, जो उनके अंदर मन के अंदर जो भावनाएं बैठी थी, सोच बैठी थी, सर वो पैसों के लिए फिल्म बनाई गई थी सिर्फ कुर्ता पंजाब जी, मैं पैसों के लिए फिल्म नहीं बना रहा, मैसेज के लिए मैं मैसेज के लिए फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा माही प्रोजेक्ट आप बना रहे, तो क्या क्या इसकी स्टोरी क्या होगी, कुछ हल्का सा थोड़ा सा? नहीं यार कुछ अभी मैं रिवील नहीं करना चाह रहा, थोड़ी सी चीज़ें हैं किस तरह खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, कुछ आप लोग भी बताइए। हाँ चाचे इनसे पूछने का हक बनता है आप लोग क्या, और आप क्या चाहते हैं? कितनी खुशी फील हो रही है आपको आज भतीजी आई है? एक्चुअली क्या है कि भाई जैसे ना बहुत कम लोग हैं अपने समाज में कि जो बेटियों को इतना अपडेट करते हैं, ये तो आज की डेट में आप सब लोगों को तो मालूम है कि बेटियों को कैसे देखा जाता है। और मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग आने चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें नाच होना चाहिए ऐसी सोच के ऊपर कि हम लोग बेटियों को अगर आगे लेके आएंगे, क्योंकि उसी कोख से हम पैदा हुए हैं, वही माँ है ना, वही बहन, उसी कोख से हम निकले, तो उस कोख को हम बुरा क्यों बोले? तो जैसे हमारे सिखिज्म में गुरु नानक साहब ने एक लिखा है कि सौ क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा, तो ऐसी सोच को सलाम है कि हमारे गुरुओं की पीरों की सोच के ऊपर हमारे भाई ऐसे हम सब चल रहे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके ज़्यादा कुछ नहीं, कि ऐसी सोच हर एक ही होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की ऐसी सोच होनी चाहिए कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों के लिए इतना करो। और जितना मैं तीन दिन से देख रहा हूँ कि जितना इन्होंने बेटे के ऊपर शायद होता तो शायद, अच्छा मेरा कहना यही है तो भाई कोख में बच्ची मत मारो यार, एक किसी कोख से आप भी पैदा हुए हो, अगर उनको किसी ने मारा होता तो तुम कहाँ से होते बताओ ना, अगर आपकी माँ को पहले किसी उनके पिता ने मार दिया होता तो तुम कहाँ से होते? इसलिए बच्चों को कोख में मत मारो, बच्चों को प्यार करो, पढ़ाओ लिखाओ, इस काबिल बनाओ कि आपका नाम रोशन कर सके। आज बेटी आगे आपने भी सोचा है लक्ष्मी आएगी घर में तो क्या नाम हो कुछ? वो सब इस जैसे बता चुके हैं कि नहीं, आप अपने बारे में बताइए ना थोड़ा कि घर में आपने क्या सोचा है, मतलब बेटा या बेटी तो क्या उसके बात होती है कि जब तक तो गुरुद्वारे जाके नाम नहीं निकालते तब तक तो नाम रखे जाते ही नहीं ना सोचे जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई? चाचा है सच्ची बात, चाचा है। सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि लक्ष्मी का वास जो है नसीब वालों को होता है, जो हमारे घर में हुआ है आज। और जो बेटियों की जो बात चल रही थी तो मेरे ख्याल से भाई ने बताया कि लक्ष्मी का जैसा हम लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वैसे लड़कियों का भी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि लड़कियां अब किसी भी माध्यम से मतलब पीछे नहीं है, जो एजुकेशन हम लोग जो लड़कों को देते हैं आज वही सेम उनको देना चाहिए। जैसे भाई की सोच है कि जो वो पढ़ना चाहे, जो वो फील्ड चुनना चाहे, वो मैं उनको कराऊंगा और उनके मन से कराऊंगा। तो ये सोच
हम लोग को सब लोग को मतलब कि लड़की के प्रति करनी चाहिए और लड़कियां उसकी शुभकामनाएं। और बेटी मेरे पास भी है, मतलब दो बेटियां हैं मेरे घर में, लड़का भी है बेटा भी है, तो बेटियों को पूरी आज़ादी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज़ पर ऐसा हो सकता है भाई, बेटे की डिमांड पूरी नहीं होगी लेकिन बेटी की ज़रूर पूरी होगी भाई, डंडा देखे रखता हूँ इस बात में। अच्छा अभी